हेलो दोस्तों, आप अगेन वेलकम है टेको। इस वीडियो में आपके सामने फिर से हाजिर हूँ मैं एक अनदर गेमिंग रोम लेकर, जो कि रेडमी नोट 4 यूजर्स के लिए। मैं काफ़ी टाइम पहले एक और आपको वीडियो दे रखा हूँ गेमिंग के नाम से, उसका थंबनेल वगैरह थोड़ा गलत हो गया था, बट कोई बात नहीं, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। और फिर सेकेंड टाइम मैं आपके लेके आया हूँ फिर से एक गेमिंग रोम जिसका लेटेस्ट बिल्ड आ चुका है, और मेरे फ्रेंड्स लोग इसे यूज कर रहे हैं। उन्हें काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस और ग्राफिक्स वगैरह मिल रहे हैं, वो भी पबजी के ऊपर। जैसे भी पबजी टाइप के कितने भी गेमिंग हैं, उन सभी के ऊपर काफ़ी तगड़े दमदार है जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, साथ ही साथ बैटरी बैकअप भी। तो इसकी रोम की डिटेल क्या क्या है वो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ, एंटूटू का स्कोर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं सिस्टम में, जहाँ पर आपको मिल जाता है अबाउट, और ये ध्यान रखें कि 8.1 है। तो आपको पता है कि 8.15 अभी काफ़ी आगे चल रहा है कुछ कुछ मामलों में, स्पेशली गेमिंग वगैरह परफॉर्मेंस के मामले में। बट 5 में कुछ नए फीचर्स मिल जाते हैं तो लोग 5 यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आप स्पेशली गेम लवर्स हो तो ये रोम और ये वीडियो आपके लिए फुल वॉच करते रहें, ठीक है। रेडमी नोट 4 आपको मिल जाता है, यहाँ पे नाम इसका है लीनेज OS वर्जन है 15.1, जो कि बिल्ड डेट है 21 का, और आज है जो है 22 है। तो आज ही ये वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो वेंडर यूज़ किया गया है 1 अक्टूबर 2018 का ही है, 5 फरवरी 2019 का। यहाँ पे सिक्योरिटी पैच ऐड किया गया है, कर्नल यहाँ पे लिनक्स का है। यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका डेवलपर ऑप्शन है जो ऑलरेडी है जो ऑन रहता है, और इसमें कुछ करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ती है। मैं आपको दिखा दूंगा फिंगरप्रिंट और साथ ही साथ फ्री मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं जेस्चर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन शूट का ऑप्शन मिलता है, कैसा लेना है, पैरल लेना है, आपको है जो फुल स्क्रीन शूट लेना है, यहाँ पे उसका मिल जाता है। कार्बन वाला जेस्चर मिल जाता है, ड्यूल फिंगर का यूज करके आप कौन कौन से एक्शन है जो सेट करना चाहते हो, आप देख सकते हो वॉल्यूम आ जा रहा है, तो आप कर सकते हो 4 एक्शन 2 फिंगर के थ्रू। यहाँ पे जंप कैमरा मिलता है क्योंकि पाई है नहीं, तो स्वाइप अप होम बटन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। तो आप चाहो तो हार्डवेयर को इनेबल करके इसे डिसेबल भी कर सकते हो, क्योंकि खास बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। बटन्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो इनेबल ऑन स्क्रीन नेम बार, इसे आप डिसेबल कर सकते हो। बैकलाइट सेट कर सकते हो, यहाँ पे हार्डवेयर को आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो जिससे इसकी लाइटनिंग बंद हो जाएगी। अभी लाइटनिंग अभी चल रही है और काम भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आंसर कॉल मिल जाता है, ऑटो टर्न टॉर्च मिल जाती है ऑफ का। यहाँ पे हर एक बटन के ऊपर नॉर्मल वाले कस्टमाइजेशन मिलते हैं, लेकिन सारे यूजफुल कस्टमाइजेशन यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको कीबोर्ड कर्सर बैकअप और आंसर कॉल यहाँ पे और रिंगटोन वॉल्यूम वगैरह आपको कंट्रोल करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। रिसेंट के अंदर क्लियर ऑल बटन किस साइड पे रखना है, उसका लेआउट कैसा रखेगा, फुल स्क्रीन या नेव बार का, या फिर डीप क्लीन चाहिए, मेमोरी स्लोट चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ आप जो यहाँ पे कर पाओगे आसानी से, कोई भी दिक्कत आपको जो यहाँ पे नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो क्लियर ऑल का बटन है, फ्री मेमोरी यहाँ पे शो हो रही है, टाइमिंग वगैरह आपको ऊपर नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप चाहो तो चेंजिंग वगैरह कर सकते हो, और आइकन पैक भी आप सेट कर सकते हो, उसके लिए आइकन पैक प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे आता है डिवाइस फीचर्स में, तो एडजस्टमेंट मिल जाती है आपको, वाइब्रेशन वगैरह डिस्प्ले का यहाँ पे है जो मिल जाता है KCAL, जिसके थ्रू आप कलर कॉन्ट्रास्ट को अपने मर्जी के अनुसार है जो कस्टमाइज कर सकते हो, और यहाँ पे जो कलर आप चाहिए वो आप मेंटेन कर सकते हो। किक सेटिंग्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे रॉयन कॉलिंग मिल जाता है, जिसे आप चाहो तो मेंटेन कर सकते हो, जो कि मैंने इसी तरह से रखा है, और ये फिलहाल ट्रांसपेरेंट है तो थोड़ा सा आपको अजीब दिख रहा होगा, ठीक है। स्मार्ट किक पुल डाउन आपको मिल जाता है यहाँ पे, रॉयन कॉलिंग, एस्क्यू टाइल्स, म्यूजिक ट्रैकर, आइकन एडिट, रनिंग सर्विस एक्सपेंड, और इसकी फुटर वार्निंग वगैरह आपको मिल जाती है। लॉक स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे डिसेबल आपको मिल जाता है कि क्या रखना है। यहाँ पे मैंने नाम डाला है टेकोपिस का, आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टेटस बार, बटन टेस्ट, क्लॉक विजार्ड वगैरह, अलार्म टेस्ट, और यहाँ पे जो म्यूजिक इक्वाइजर वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। पावर और किक सेटिंग, स्टेटस बार में आपको वही सारी चीज़ें मिलती है, क्या क्या चीज़ें रखना है, ऑटो ब्राइटनेस किधर रखना है, नेटवर्क ट्रैफिक रखना है या नहीं रखना है, टाइम एंड डेट। यहाँ पे प्रोफाइल मिल जाता है, पैनलाइजेशन में आपको कलर्स वगैरह के फिल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, ब्लर इफेक्ट वगैरह रखने या नहीं रखने, कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वेदर के अंदर वेदर की सेटिंग्स मिलती है, तो आप वेदर में क्या क्या चेंजिंग करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आते हैं बैक, तो यहाँ पे डिजिटल वैल्यू नहीं मिलने वाली क्योंकि ये पाई नहीं है, ओरियो है, और यहाँ पे फेस अनलॉक दिया गया है, तो फेस अनलॉक है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे फिंगरप्रिंट का जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा आपको जो देखने को मिलता है। जी हाँ, तो फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक है, काफ़ी है जो तेज रिस्पॉन्स देता है, और काफ़ी क्विक है जो यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। तो फिंगरप्रिंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, और ना ही फेस अनलॉक में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फेस अनलॉक भी यहाँ पे काम कर रहा है, बस फेस अनलॉक में आप अगर फेस अनलॉक यूज करोगे तो यहाँ पे ऑटो वॉलपेपर रिमूव नहीं होता है, तो इसके लिए आपको जो हैंड का यूज करते हुए ऑटो वॉलपेपर है जो रिमूव करना होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये अनलॉक हो जाता है, बट यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा तो आपको हैंड से जो अनलॉक करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। ऑटो अनलॉक होता तो ज़्यादा बेटर होता। डिस्प्ले के अंदर आपको लाइव डिस्प्ले मिल जाती है, वॉलपेपर, सेवर स्क्रीन, और यहाँ पर स्टाइल मिलता है, जहाँ पे आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, या फिर ब्लैक, या फिर टाइमिंग के अनुसार जो आप एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद फॉन्ट, डिस्प्ले और स्मॉल बिल्ड, एक्सपेंड डेस्कटॉप, सजेशन, कंडीशन, टैप टू वेकअप, टैप टू स्लीप, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस और वॉल्यूम पैकेज वगैरह आपको मिल जाती है। VR का भी ऑप्शन मिलता है, म्यूजिक ट्रैकर, एम्बिएंट का ऑप्शन, जिसके अंदर पिकअप, हैंडफ्रेंड, पॉकेट मूड है जो
दिया गया है। यहाँ हमें व्हाट्सअप टेक्स्ट मिल जाती है आपको, और बैटरी की बात करें तो स्टैंड बाय मैं आपको जो दिखा दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स भी आपको मिल जाती है, लाइक सस्पेंडेड सेंसर का, अलार्म, वेकअप, और यहाँ पे डोज की सेटिंग और पावर सेविंग का भी ऑप्शन आपको जो देखने को मिल जाता है, जो कि इस तरह से सेव करता है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे बैटरी बार का है जो आइकन रखना है या नहीं रखना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आप शो हो रहा होगा ऊपर ग्रीन कलर का, तो आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो। बैटरी डिटेल यहाँ 40% आ गई है, 9 आवर्स कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट कार्ड स्क्रीन वगैरह है, जो ब्लूटूथ 6 है, सब कुछ काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब आते हैं डायरेक्ट होम स्क्रीन पे। यहाँ पे जो कैमरा दिया गया है वो मोर कस्टमाइजेशन वाला कैमरा है, बट आप जीकेम यूज कर सकते हो। मैंने जीकेम की वीडियो दे रखी है, परफेक्ट जीकेम आपके लिए, तो आप उसकी वीडियो वॉच करके जो यहाँ पे जीकेम यूज कर पाओगे कोई भी इशू जो नहीं आएगी। बट पिक्सल 3 आपका काम नहीं करेगा ऑडियो पे, उसके लिए पाई चाहिए और सारे फीचर्स काम नहीं करते। आप वीडियो देख लेना, वहाँ से आप निकाल पाओगे बेस्ट जीकेम अपने रेडमी नोट 4, रेडमी 4 और पोको H1 के लिए। ठीक है, अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा स्क्रीनशॉट, और यहाँ रहा इसका परफॉर्मेंस का डिटेल, जहाँ पे आप अपने गेमिंग या यूजिंग टाइम के अनुसार चेंज कर सकते हो परफॉर्मेंस इसकी और इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आप कहीं आउटडोर पे जा रहे हो, आपको बैलेंस बैटरी की जरूरत है, तो आप बैटरी सेविंग पे डाल सकते हो। अगर गेमिंग करना है तो आप गेमिंग पे डाल सकते हो। हर पे आपको अलग अलग डिफरेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और बैटरी का भी डिटेल आपको अलग अलग डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो मैंने 2 बार चेक किया है यहाँ पे, फर्स्ट चेक किया यूज बैटरी पे यानी बैटरी सेविंग पे यहाँ पे, और सेकंड चेक किया है मैंने गेमिंग पे। तो दोनों में जो स्कोर आए हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि गेमिंग पे डालने के बाद क्या स्कोर आता है, और यहाँ पे जो लो करने पे क्या स्कोर आता है। काफी आसमान जमीन का आपको फर्क देखने को मिल जाता है। तो आते हैं स्क्रीन शॉट के कलेक्शन के ऊपर, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट बूट से। मेरे जो इतने ही ऐप मिले हैं, क्योंकि मैंने जो पिको का यूज किया है, तो मैं गैप्स आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसी गैप्स का यूज करना है, अदर का गैप्स का आप मत यूज करना, अदरवाइज थोड़ा बहुत कमी आपको देखने को मिल सकती है परफॉर्मेंस में। तो जो लिंक दिया गया है बस उसी का आपको जो यूज करना है, और कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। फर्स्ट बूट पे 2.7 GB फ्री मेमोरी मिलती है, कभी कभी इतना हमें 5 में देखने को मिलता है, लेकिन ये ओरियो में हमें मिला है। और यहाँ पे माइनस पॉइंट ये है कि बैंकिंग आप यूज नहीं कर पाएगा, चाहे आप रूट कर लो या फिर विदाउट रूट के ट्राई कर लो, यहाँ पे नहीं होगा। तो परमिशन हाइड वाला मेथड फॉलो मत करना, क्योंकि उसके लिए मैंने वीडियो देखी कि उसका क्या नुकसान हो सकता है आपको इन फ्यूचर। तो उस वीडियो को आप वॉच कर लेना, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि हाइड परमिशन के थ्रू आप बैंकिंग ऐप यूज करना चाहते हो या नहीं। यहाँ पर स्टैंड बाय बैटरी की जो कि नॉर्मल पे चेक की गई है, तो 65 पे मैंने लेफ्ट किया था, 12 मिनट एक बार जो डिस्कनेक्ट किया गया है। मॉर्निंग पे आते तो ये 62 आती है, तो यहाँ पे जो करीब करीब है जो 3% की स्टैंड बाय ड्रेन गई है, वो भी 4G के नेटवर्क पे, तो काफी अच्छा स्टैंड बाय है, कोई खास भी इशू नहीं है। मे बी आपको 1% के आसपास भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैंड बाय है काफी अच्छा है, डिटेल आपको बैटरी का मिलता है। ये रहा यहाँ पे बैटरी सेविंग पे चेक किया गया AnTuTu का स्कोर, जो कि आप देख सकते हो कितना लो है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं सेंटोनिक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सेंटोनिक मेडिकल स्कोर है जो हमें इतना ही देखने को मिलता है यानी रेडमी 4 के अंदर। तो काफी वीक स्कोर है जो कि बैटरी सेविंग पे चेक किया गया है। और अभी के अगर स्कोर चेक किया जाए, जो कि मैंने चेक किया गेमिंग के ऊपर डालकर, तो काफी ह्यूज स्कोर आपको देखने को मिलेगा। इतना अब तक किसी पाई रोम पे भी नहीं मिला, जो कि तगड़ी परफॉर्मेंस देता है अब तक का। यहाँ पे आप देख सकते हो 85077 का है, जिसका CPU यहाँ पे है 40428 का, और GPU यहाँ पे मिल जाता है 14172 का, और UX यहाँ पे मिलती है 23173 का, और MM यहाँ पे है 7304 का। ये टोटल स्कोर जो कि काफी ह्यूज है, और ये गेमिंग के ऊपर चेक किया गया, जो कि अभी तक है जो सिलेक्टेड है गेमिंग, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर गेम यूज करना चाहते हो तो बस इसका प्रोफाइल को चेक करना है यानी टिक करना है, उसके अलावा जो गेमिंग की परफॉर्मेंस काफी हद तक इंप्रूव कर पाओगे और मजे से उसे यूज भी कर पाओगे। तो यहाँ पे आप गेमिंग के लिए इसे यूज कर सकते हो डेली लाइफ में, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग हैं जो अक्सर इसे यूज करते हैं गेमिंग के लिए, और इसे यूज करने के बाद उनका मन ही नहीं होता है कि किसी और रोम पे जाए। अगर वो आप गेम लवर हो तो इसे आप कभी चेंज नहीं करोगे, बस इसके नेक्स्ट अपडेट को आप डाल लोगे। यहाँ पे जो FM आपका वर्किंग है हेडफोन मोड में, स्पीकर मोड में, लेकिन यहाँ पे जो FM का सर्च बैंड है वो काफी ज्यादा टाइम लेता है FM को सर्च करने में, नेक्स्ट प्रोफाइल है जो ढूंढने में। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, काफ़ी ज़्यादा डिले टाइम लग जाता है। वीडियो कॉल भी आपका काम कर रहा है, और जो कि मैंने गेमिंग का ओल्ड रिव्यू किया था उसमें बताया था कि कॉलिंग टाइम में जो आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आती है, बट इसमें फिक्स कर दिया गया है। आपकी जो क्वालिटी साउंड की वो काफ़ी अच्छी है, आप आसानी से बात कर पाओगे, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कॉल रिकॉर्डिंग पे आते हैं, यहाँ पे आपको फोन से एक बार फुल पिक्चर, डू नॉट डिस्टर्ब, स्मार्ट म्यूट, और यहाँ पे जो ऑडियो और सारे साथ कॉल रिकॉर्ड भी देखने को मिल जाता है। और इसके सारे डिफॉल्ट रिंगटोन दिए गए हैं MIUI के, तो सारे MIUI के डिफॉल्ट रिंगटोन आपको देखने को मिल जाते हैं। फोन बुक के नंबर की सेटिंग आपको मिल जाती है, ब्लॉकिंग से रिलेटेड आपको सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाता है, GPS भी आपका जो काम कर रहा है, और यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट जो मैंने आपको बताया था वो भी चीज़ है जो काम कर रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ें काम कर रही है, सिवाय एक चीज़ के, वो है बैंकिंग का ऐप। अगर आप बैंकिंग ऐप यूज करते हो तो भाई ये में आपको आने वाली है प्रॉब्लम। अगर आप बैंकिंग ऐप को इग्नोर कर सकते हो, गेमिंग आपके लिए मेन है, तो अभी डाउनलोड कर ले, लिंक मिल जाएगा वो डिस्क्रिप्शन से, और आपको जो कमाल की परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलने वाले गेम्स वगैरह की।
तो आप देख सकते हो सारे रिंग टोन है जो MIUI के यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने गेम प्ले करके नहीं दिखाया सिर्फ कहा है, तो मैंने जो ओल्ड गेमिंग का वीडियो दिया था उसके आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स आप रीड कर लो, लोग क्या ओपिनियन है उसके अनुसार आप डिसाइड कर पाओगे कि मैंने सच कहा था झूठ नहीं कहा था। तो आप अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो और फ्लैश करो और यूज करो और मुझे बताओ कि क्या रियली में आपको भी परफेक्ट मिला है या फिर मैंने फेक कह दिया है। तो मैं ऐसा फेक कहता नहीं हूँ, ये बात अलग है कि कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन पर, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जो गेमिंग में बेनिफिट हो सके इस रोम को लेकर। ओके।